तो चंद्र, आप एक सिविल इंजीनियर हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग के बाद में आपने डाइटिशियन की जर्नी कैसे स्टार्ट करी? लाइक सिविल इंजीनियरिंग में भी आप अच्छा करियर बना सकते थे, लेकिन फिर आपने डाइटिशियन का कोर्स क्यों किया, आप डाइटिशियन क्यों बने, है ना? okay. थोड़ा सा आपकी जर्नी शेयर कीजिए कि क्या आपका माइंडसेट रहा, क्यों आपने ये शिफ्ट किया। अपार्ट फ्रॉम दिस, बीच में आपका एक पॉइंट ऐसा भी आया था जब आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे थे, तो ये सब चीजें लाइक बहुत सारी चीजें आप ट्राई कर रहे थे, लेकिन एकदम से लाइक डाइटिशियन का जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा शेयर कीजिए। जरूर, मैं इस जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा। और मेरी कहानी स्टार्ट हुई थी लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन से पहले मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था, काफ़ी एग्ज़ाम भी दिए, कुछ में पास भी नहीं हुए। और उसी दौरान कोरोना का टाइम आ गया, लॉकडाउन, कुछ करने के लिए नहीं, और ये भी नहीं पता कि जो आगे अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्या होने वाली है, कोई एग्ज़ाम होगी नहीं होगी। तो इस चीज़ से परेशान होकर मैंने कुछ एक्स्ट्रा अलग करने का सोचा, कि अब दिमाग में ये था कि क्या किया जाए। तो कैलकुलेशन पहले से काफ़ी चलती रहती थी माइंड में, ठीक है, कुछ क्रिएटिव, कुछ आइडियाज़ वगैरह बहुत सारे होते थे। फिर जब लॉकडाउन लगा, फर्स्ट लॉकडाउन ओपन हुआ, उसके बाद में मैंने जिम जाना स्टार्ट किया। वहाँ पे वो सब करते करते मुझे एक ट्रेनर का अपॉर्चुनिटी मिला, मैंने अपॉर्चुनिटी को लिया, उसको परफॉर्म किया, वहाँ पे अच्छा किया, ठीक है। फिर सेकेंड लॉकडाउन लगा, उससे पहले का जो ये ट्रेनर वाला एक्सपीरियंस था वो मैं ले चुका था और मुझे उसमें इंटरेस्ट आया। बट हाँ, ट्रेनर का जॉब थोड़ा टफ भी हो सकता है, उसमें मुझे ऐसा एहसास था कि मेरे अंदर पोटेंशियल ज़्यादा है, मैं इससे और अच्छा कर सकता हूँ। तो मैंने आगे एक्सप्लोर करने का सोचा, इस मार्केट का सर्वे किया कि यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, कैसे मैं यहाँ पे स्केल कर पाऊँगा, क्या मुझे ट्रेनर से आगे निकलना चाहिए। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें करी, फाइनली मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो एक डाइट होती है, एक डाइटिशियन होता है, वो हर किसी की ज़िंदगी में एक रोल प्ले करता है, ठीक है, चाहे वो योगा वाले हो, चाहे वो जुम्बा, HIIT कार्डियो, जिम, कुछ भी कर रहे हो आप, डाइट हर जगह काम करती है। तो 70-80% पार्ट जब यही है किसी भी हेल्थ और फिटनेस का, तो मैंने सोचा कि इसी को करते हैं। फिर मैंने उसी दौरान कोर्सेज किए, इंटरनेशनली कोर्सेज किए, नेशनली कोर्सेज किए, काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस किए, काफ़ी रिजल्ट पहले बिल्ड किए, ठीक है। मनी माइंडेड नहीं था, मुझे ये मेरा था कि भाई पैसा तो अपने आप आ जाएगा, पहले काम करूँ। तो पहले खुद को काफ़ी रगड़ा, रिजल्ट्स क्रिएट किए, अथॉरिटी बिल्ड करी मार्केट में, ठीक है। और जो मेरा वो पहले वाला सर्किल था जिम में, उसने भी मुझे धीरे धीरे अप्रोच करना शुरू किया, तो वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बिल्ड हुआ और धीरे धीरे ये जर्नी इसी तरीके से आगे बढ़ती रही। आज मैं एक बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा हूँ, इंडिया का 80% पार्ट मैं कवर कर चुका हूँ। बहुत बढ़िया, तो अच्छा लगता है ये सब करके, दूसरों की हेल्थ को इम्प्रूव करके, वो मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं, साथ में अर्निंग तो कर ही रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो मेरा कॉन्सेप्ट था कि जो मुझे काम करना है, बिजनेस करना है, वो टोटली मुझे डिजिटली करना है, ऑनलाइन रहकर करना है, ठीक है। ट्रेडिशनल वाला काम मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि यस, मैं घर से ज़्यादा बाहर निकलता नहीं हूँ, तो ट्रेडिशनल वाला मुझे पसंद नहीं है। इसलिए मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि काम करूँगा तो डिजिटली करूँगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर करूँगा, वहीं से ही। और वहाँ से मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, सक्सेस मिली, उसको मैं काफ़ी इन्जॉय कर पा रहा हूँ आज के टाइम में। और अभी मैं सोचता हूँ कि 10% काम किया है मैंने अपनी लाइफ का, तो अभी काफ़ी आगे जाते हैं। तो बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि क्या आपकी जर्नी रही है, लेकिन एक चीज़ बीच में आपने स्किप कर दिया, वो भी हमें शेयर कीजिए कि लाइक गवर्नमेंट एग्जाम्स की आप जो तैयारी कर रहे थे बीच में, मैंने काफ़ी देखा था कि आप एक टाइम था जब आप ट्रेनर भी थे और गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे थे, तो एक क्या ऐसा माइंडसेट में क्या शिफ्ट आया जो आपने लाइक पूरा फुल टाइम अपने आपकी लाइक ट्रेनिंग और डाइटिशियन वाली जो जर्नी है उसमें आपने टाइम देना स्टार्ट किया, है ना, आपने क्लाइंट से बात करना स्टार्ट किया, तो शायद बिल्कुल मैं बताता हूँ इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट एक्चुअली। देखिए, कोरोना के टाइम में मुझे ये तो क्लियर हो गया था कि हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मुझे क्या क्लियर हो गया था, सभी को क्लियर हो गया था, सभी हेल्थ अवेयर हुए। जो लोग जिन्होंने कभी जिम का मुंह नहीं देखा वो लोग जिम आना शुरू किए, वो डाइट के लिए थोड़े अवेयर हो गए। तो वहाँ से मुझे क्लिक किया कि ये जो फील्ड है ना, हेल्थ और फिटनेस और वेलनेस का,
बहुत बड़ा फील्ड है और बहुत ग्रोइंग फील्ड है। अभी आप देखो ना, 2045 तक आधी पॉपुलेशन ओबेज होने वाली, ओबेसिटी के अंदर होने वाली है। तो क्यों ना मैं यहाँ पर और बेहतरीन काम करके लोगों की हेल्प कर सकूँ। तो ये मेरा लॉजिक था कि ये जो अभी इंडस्ट्री है बहुत ग्रो करने वाली है, बहुत काम है यहाँ पे करने के लिए, इतना काम है कि मैं सोच भी नहीं सकता। और अगर जो भी इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में, यस बहुत काम है, आप बस करते जाइए, पेशेंस रखो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको आगे चलते। तो आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि डाइट का क्या रोल होता है हमारी हमारी लाइफ में, क्या रोल है और किस तरीके से आप, अगर आपको फूड में इंटरेस्ट है या फिर आप सप्लीमेंट्स में आपको हॉबी है और आप चाहते हैं कि आप इसमें करियर बनाए, तो बिल्कुल एक हेल्थ इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो अगर आप अच्छे से सर्टिफिकेशन लेते हैं, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपका माइंड सेट कुछ ऐसा है ना कि लोगों की मुझे हेल्प करनी है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लाइंट्स के साथ में ट्रस्ट बिल्ड करके, एक रिलेशनशिप बिल्ड करके काम करूँ, तो बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर मैं और ऐड करना चाहूँगी, जैसे चंद्रा जी को मैंने देखा है इनकी व्हाट्सअप स्टोरी पर, फेसबुक पर, सब जगह सोशल मीडिया पर ये जो करते हैं वो सारी चीज़ें भी शेयर करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस जो क्लाइंट्स को बताते हैं वो सब चीज़ें ये भी फॉलो कर रहे हैं। वरना मैंने बहुत सारे ऐसे डाइटिशियन को देखा है, खुद फिट नहीं है, खुद मेंटल हाइजीन नहीं रखते हैं, लेकिन लोगों को साथ में शेयर करते हैं कि आप ऐसे कर लो वैसे कर लो, तो वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं वही चीज़ें शेयर कर रहे हैं तो क्लाइंट बहुत अच्छे से उस चीज़ को रिलेट कर पाते हैं, तो ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कॉमेंट करिए और शेयर भी कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाए वो भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू।